हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन टू। मैं हूं आपके साथ हर वक्त रहूंगा। फ्रेंड्स, आप कभी कभी देखे होंगे, आप जो एड्स डालते हैं गूगल एडवर्ड्स पे, आपका यूट्यूब चैनल का कोई भी वीडियोस का, क्या आपका वेबसाइट्स का, क्या आपका कोई भी ब्लॉग्स का, क्या कोई भी लिंक का हो सकते हैं, तो कभी कभी आपका जो एड्स है वो डिसअप्रूव हो जाते हैं। तो इसका पीछे क्या रीजन है, मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और गूगल एडवर्ड्स का जो पॉलिसीज है उसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो पे। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, सनियम हसीजा मेरे एक व्यूवर से, उसने भी मेरे को कमेंट्स किया है, उसका भी सेम प्रॉब्लम आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। और फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे वीडियो टिप्स को अगर मिस करना नहीं चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। और अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास नोटिफिकेशन बेल आइकन है, वहां पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे क्लिक करने से मेरा कोई जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपका मेल पे जरूर मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर आपका कोई भी वेबसाइट है, कि आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का कोई भी वीडियो है, तो उसको अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, या कोई भी लिंक को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आप लीगली प्रमोट कर सकते हैं और बहुत ही ऑथेंटिकली प्रमोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई भी कैंपेनिंग क्रिएट करते हैं, मतलब आप एड्स डालते हैं, तो आपका एड्स डालने के बाद गूगल ने आपका एड्स को रिव्यू करते हैं, और उसके बाद अगर देखते हैं कि आपने गूगल एडवर्ड्स का जितना सारा पॉलिसी से वो सही तरीके से आप मेंटेन किया है, उसके बाद ही आपका एड्स को अप्रूव किया जाते हैं। और अगर आपका एड्स पे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिसअप्रूव किया जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो एड्स डिसअप्रूव हो जाते हैं उसका पीछे कई सारा रीजन हो सकते हैं कि आप जो कंट्री सिलेक्ट किया है वो रीजन सिलेक्ट किया है वो सही नहीं है, क्या हो सकते हैं आपने जो कीवर्ड सिलेक्ट किया है वो मिसलीडिंग कीवर्ड है, मतलब कुछ दूसरा जो वीडियोज़ है वीडियोज़ का कीवर्ड हो सकते हैं, क्या आपका कोई भी दूसरा एड्स का कीवर्ड हो सकते हैं, दूसरा कंटेंट का कीवर्ड हो सकते हैं, क्या आप यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट जो कंटेंट होते हैं वो अगर यूज़ किया है तो आपका यहाँ पे एड्स नहीं चलेगा। इवन आप कोई भी यहाँ पे अगर फ्री कंटेंट, क्या आप कोई भी सेक्सुअल कंटेंट, क्या कोई भी कंटेंट, मतलब गलत जो कंटेंट होते हैं प्रोहिबिटेड कंटेंट वो अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका एड्स को डिसअप्रूव किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, गूगल एडवर्ड्स का जो पॉलिसीज है वो यहाँ पे चार पॉलिसीज एक्चुअली मैंडेटरी है। तो ये चार पॉलिसीज अगर आप जो क्राइटेरिया है गूगल एडवर्ड्स का, तो इसको अगर आप ठीक तरीके से मेंटेन करते हैं तो आपका एड्स अप्रूव हो जाते हैं और आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका एड्स चलना शुरू हो जाएगा। तो गूगल एडवर्ड्स का जो पहला जो पॉलिसी है वो है प्रोहिबिटेड कंटेंट। प्रोहिबिटेड कंटेंट मतलब आप यहाँ पे कोई भी जो प्रोहिबिटेड कंटेंट होते हैं, जैसे कि बम बनाना, जैसे कि अगर कोई भी किसी को कत्ल करते हैं, या कोई भी कुछ गलत चीज़ करते हैं, इसका वीडियो अगर आप कैप्चर करते हैं, क्या इसके बारे में अगर आप आपका वेबसाइट पे लिखते हैं, तो ये जो कंटेंट होते हैं ये कंटेंट आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका अगर कंटेंट ऐसा कुछ है और उसको अगर आप प्रमोट करने जाते हैं, मतलब उसका एड डालना चाहते हैं आप एडवर्ड्स पे, तो वहाँ पे आपका जो एड्स है उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो पॉलिसीज है गूगल एडवर्ड्स का वो है प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस। प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस मतलब आप अगर कोई भी एड्स डालते हैं वहाँ पे, तो एड्स का जो लोकेशन होते हैं, एड का जो रीजन होते हैं, क्या आपका जो पूरा डिटेल्स होते हैं, आपका अकाउंट का पूरा डिटेल्स, मतलब आपका फुल नेम, फास्ट नेम, एड्रेसेस, तो ये जो चीज़ होते हैं, कि आपका बैंक का डिटेल्स होते हैं, तो ये सभी कुछ आपको सही सही डालना है। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ को अगर ठीक तरह से आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करते हैं, इवन आपका यहाँ पे जो एड्स डाल रहे हैं, एड्स का जो टाइटल आप डाल रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, वो अगर सही नहीं होते हैं, मतलब टू द पॉइंट नहीं होते हैं, सोचिए कि आपका कंटेंट कुछ अलग है और आपका जो टाइटल है, आपका जो छोटा जो डिस्क्रिप्शन है एड्स का, तो वो कुछ अलग है, तो यहाँ पे आपका गुड प्रैक्टिस नहीं है, तो इसके लिए आपका जो एड्स है उसको डिसअप्रूव किया जाएगा। और थर्ड जो गूगल एडवर्ड्स का जो पॉलिसी है वो है रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट। रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट मतलब जो कंटेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला गया है, मतलब जैसे कि कोई भी मिसलीडिंग गाइड जो कंटेंट होते हैं, क्या कोई भी कॉपीराइट कंटेंट होते हैं, क्या अगर कोई भी आप यहाँ पे एडल्ट कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट, जो अल्कोहलिक कंटेंट होते हैं, क्या कोई भी पॉलिटिकल कंटेंट होते हैं, ये अगर आप यहाँ पे डालते हैं, क्या गैम्बलिंग कंटेंट हो सकते हैं, तो ये सब अगर आप यहाँ पे डालते हैं, मतलब आपका वीडियोस पे, क्या आपका वेबसाइट पे डालते हैं, और उसके बाद उसको अगर एड्स डालने जाते हैं आपका, क्या प्रमोट करने जाते हैं गूगल एडवर्ड्स पे, तो वहाँ पे गूगल एडवर्ड्स आपका जो एड्स है उसको डिसअप्रूव कर देगा। और फोर्थ जो पॉलिसीज है गूगल एडवर्ड का वो है एडिटोरियल एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट। मतलब फ्रेंड्स, आप कोई भी अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो एफिलिएट कंटेंट का जो लिंक होते हैं, बाय इट हियर, जो ऐसा कुछ लिंक होते हैं जो, तो उसको अगर आप प्रमोट करते हैं गूगल एडवर्ड्स पे, तो यहाँ पे आपका जो एड्स है उसको डिसअप्रूव किया जाएगा।
और टेक्निकल रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स, मतलब अगर सोचिए कि आपका कोई भी वेबसाइट है और वेबसाइट पे जो पेज आपने डाले हैं, जो यूआरएल आपने डाले हैं, उस वो अगर नॉट फाउंड होते हैं, 404 एरर अगर दिखाते हैं, या अगर आप जो यूआरएल डाले हैं तो वो यूआरएल अगर ठीक तरह से आप नहीं डाले हैं, मतलब फ्रेंड्स आपका जो वेबसाइट है, क्या आपका जो वीडियोस है, तो उसका जो लिंक आपने डाले हैं, जैसे फ्रेंड्स बहुत सारा आपने देखे होंगे कि बहुत सारा वेबसाइट है, वेबसाइट में वेबसाइट का लिंक आप जब भी कोई भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दिखाते हैं कि 404 नॉट फाउंड ऐसा कुछ एरर दिखाते हैं, मतलब उसका जो लिंक है वो वहाँ पे, मतलब वो पेज वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है अभी। तो ऐसा कुछ पेज का अगर आप वहाँ पे एड्स डालते हैं तो यहाँ पे आपका जो एड्स है वो डिसअप्रूव किया जाएगा। और फ्रेंड्स आपका जो एड्स डिसअप्रूव हुआ है उसको अगर आप अप्रूव करना चाहते हैं तो आपका एड्स डिसअप्रूव क्यों हुआ है तो गूगल एडवर्ड्स पूरा दे देते हैं डिटेल्स, तो उसको आप पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद उसके हिसाब से आपका जो एड्स है उसको एडिट करके उसको सुधारिए और उसके बाद फिर से अप्लाई कीजिए तो आपका अप्रूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स गूगल एडवर्ड्स एक बहुत ही अच्छी जगह है और अगर आप गूगल एडवर्ड्स का ठीक तरह से पॉलिसीज को मेंटेन करते हैं तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका जितना सारा एड्स है वो सारी एड्स अप्रूव हो जाएगा फिर से। तो फ्रेंड्स यही है मेरा आज का टिप्स इस वीडियो का, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और अगर आपका मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मेरा वीडियो का नीचे कमेंट बॉक्स है वहां पे प्लीज शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपका फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।